नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट और एक पुरुष रोग विशेषज्ञ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, शुरुआत से जब से मैंने ट्रेनिंग करी है, कि बेस्ट से बेस्ट सर्जरी सीखूं, बेस्ट से बेस्ट सर्जरी करूँ और अपने देश के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी लेटेस्ट एंड्रोलॉजी सर्जरीज को प्रोवाइड कर सकूँ। इसी कारण मैं विश्व भर में ट्रैवल करता हूँ। इससे पहले मैं कई कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाके सीख के और चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, और उसके बाद उनके अंदर जो बेहतर चीज़ें हैं उनको अपनी सर्जरी में इन्वॉल्व करना, ताकि मैं अपने देश में अपने क्लिनिक पे अपने सेंटर पे बेस्ट से बेस्ट सर्जरीज और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकूं। टर्की या जो इस्तांबुल है उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग वहाँ वेकेशन करने जाते हैं। आज के दिन टर्की या इस्तांबुल में घूमने का बहुत प्रचलन है, पर यह जान के आपको हैरानी होगी कि टर्की और इस्तांबुल, स्पेशली इस्तांबुल जो टर्की में है, वो आज के दिन विश्व के अंदर एक मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ का और एक मेडिकल टूरिज्म का कंप्लीट हब जो है बन चुका है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो टर्की जो इस्तांबुल है वो यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है। अगर आप मैप देखेंगे तो इस्तांबुल में एक यूरोपियन साइड है और एक एशियन साइड है, और इस्तांबुल के अंदर इतने सारे कल्चर्स आपस में मिलते हैं, और टर्की जो कि यूरोप को के अंदर अपने आप को एक भाग में मानता है, काफ़ी रैपिडली डेवलप कर रहा है। अभी फरवरी में ये कोरोना वायरस के जस्ट आने से पहले मुझे इस्तांबुल में जाके ट्रेनिंग करने का मौका मिला, तो मैं 5 से 7 दिन इस्तांबुल में था, जहाँ पर मैंने पिनाइल इम्प्लांट्स, नए पिनाइल इम्प्लांट की टेक्नोलॉजीज़, यूरेथ्रोप्लास्टी, पेशाब के रास्ते की रुकावट खोलने की सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज और काफ़ी और नई सर्जरीज के अंदर ट्रेनिंग ली। जाना कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल सिस्टम्स है, जो मेडिकल सिस्टम्स है, वो हमारी कंट्री से कैसे बेहतर है या कैसे इन्फीरियर है, मैं वहाँ से क्या नई चीज़ें ला सकता हूँ अपने लिए, अपनी प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए, अपनी सर्जरी को बेटर करने के लिए, अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए, अपने मरीजों को बेटर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का वीडियो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको मेरा टर्की या इस्तांबुल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या चीज़ें बेटर लगी और किस तरीके से या क्या नई चीज़ें मैं वहाँ से सीख के आया, जो मैं अगले कुछ समय में आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करूँगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि मैं इस्तांबुल में बेसिकली गया तो पिनाइल इम्प्लांट्स की ट्रेनिंग के लिए था, पर उसके दौरान जब मैंने वहाँ पर देखा कि और भी चीज़ें होती है, तो मुझे उसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिला। पहले बता दूं कि मैं इस्तांबुल के, सबसे पहले जब हम गए थे, मैं इंडिया से जब गया, तो पहले जब इस्तांबुल के लिए जा रहा था तो मुझे लगा था कि इस्तांबुल एक छोटा सा शहर होगा, दिल्ली से ज़्यादा क्या डेवलप्ड होगा, ये दिमाग में रहता हमेशा कि मिडल ईस्ट की कंट्री है, टर्की में क्या करते होंगे। पर जब मेरी फ़्लाइट इस्तांबुल में लैंड हुई और मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ऑलमोस्ट विश्व का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। कंट्री अपने आप में तो अच्छी है ही, वो सिटी बहुत अच्छी लगी। एयरपोर्ट बड़े थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बड़े बड़े रोडवेज़, बड़े बड़े हाईवेज़, बहुत क्लिनलीनेस थी, बड़े बड़े होटल, बड़ी बिल्डिंग है। तो ऑब्वियसली मेरे को पहला इंप्रेशन था सिटी का, वो गलत था। इस्तांबुल एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरे को वेल डेवलप्ड सिटी लगी। लोग सिविल लॉज को काफ़ी फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, काफ़ी लोग थे, पर उसके बाद भी एक केओस का सिस्टम नहीं था। फ्लाइट ओवरनाइट थी, काफ़ी थक गए थे, तो उस दिन का मौका बस मिला रेस्ट करने का। अगले दिन मॉर्निंग में हमने सबसे पहले जो है, मैंने वहाँ पर एक हॉस्पिटल है इस्तांबुल के अंदर, हॉस्पिटल को हस्तनेसी बोलते हैं, तो वह बकिरकोय एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टर मुतलिब है, जिनके पास मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था। सुबह सुबह जब उठा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज़ के डॉक्टर्स और ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। तो मैं इंडिया से था, पर हमारे पास 2 डॉक्टर्स थे जो इजिप्ट से आए हुए थे, और एक डॉक्टर था जो मोरक्को से आया हुआ था। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि इन कंट्रीज़ के अंदर भी पिनाइल इम्प्लांट्स, एंड्रोलॉजिकल सर्विसेज और एंड्रोलॉजिकल सर्जरीज काफ़ी डेवलपमेंट या डेवलप्ड स्टेजेस में हैं, और जो हम लोग अपने एरिया में या अपने कंट्री में जो मरीज़ों के अंदर चीज़ें देखते हैं, वो सिमिलर उनको भी एक्सपीरियंस था अपनी कंट्रीज़ में। मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो काफ़ी सिमिलर है इंडियन मेडिकल सिस्टम के, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ सर्जरीज, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। अब जो मैं हॉस्पिटल में गया बकिरकोय के अंदर, वो एक सरकारी हॉस्पिटल था, जैसे इंडिया में एम्स है या इंडिया में सफदरजंग हॉस्पिटल है, जो सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
वहाँ था, पर उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ फ़र्क था जो इंडिया से कंपेरेटिव में था। टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया के अंदर भी जैसे आप एम्स में जाएंगे सरकारी है, हर सुविधा अवेलेबल है, बड़े हॉस्पिटल है, रोबोट है, ओटीज है, पर इंडिया में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। पर यहाँ पर मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि जो डॉक्टर मुतलिब थे, जो सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर है, पर उनको अपने फ्री टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस करना भी अलाउड था। तो डॉक्टर साहब सरकारी में तो सरकारी पेशेंट्स को फ्री में इनका इलाज करते थे, पर जो पेशेंट्स पेइंग थे या जो पेशेंट्स अपनी जेब से खर्चा कर सकते हैं उनका वो जाके प्राइवेट में भी ऑपरेशन करते थे। तो पहले दिन में उनके साथ था तो मैंने शुरुआत में 4 या 5 सर्जरीज उनके साथ सरकारी हॉस्पिटल में देखी, और उसके बाद फिर एक आली हॉस्पिटल था जो उस हॉस्पिटल से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर था, वहाँ जाके हमने उनके जो प्राइवेट मरीज थे उनके 3 या 4 पेशेंट्स के अंदर ऑपरेशन देखा। बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि टर्की के अंदर सरकार ऑलमोस्ट हर मरीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, मरीजों को इलाज कराने की फ्रीडम है, हर मरीज को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फ्री में इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा इंडिया के अंदर भी है, पर इंडिया में इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण शायद मरीजों को इलाज में मुश्किल हो जाती है, पर टर्की छोटा कंट्री है, वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, इस कारण से शायद मरीजों का नंबर जल्दी आता था। जो पिनाइल इम्प्लांट्स है जो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस में कवर नहीं है, या जो महंगी सर्जरीज है जो इंडिया में सरकारी में उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट उन सर्जरीज के लिए काफ़ी डिस्काउंट देती है। मरीजों को 20 से 30% पैसे खुद जेब से भरने पड़ते हैं, बाकी जो पैसे है वो सरकार उनको प्रोवाइड कराती है। इस कारण से जो सारे मरीज थे वो इन्फ्लेटेबल या महंगे वाले इम्प्लांट्स आराम से लगवा पा रहे थे, क्योंकि सारा का सारा खर्चा सरकार उठाती है। वो मरीज जो कि प्राइवेट में जाना चाहते हैं या यूरोप से मेडिकल टूरिज्म के लिए टर्की आते हैं, या पूरे इराक से, ईरान से, ऊपर उज़्बेकिस्तान से, उन मरीजों के लिए प्राइवेट के अंदर यही डॉक्टर फिर पैसे लेके भी सर्जरी करते हैं। तो पहला दिन मेरा इस हॉस्पिटल में गया, इस हॉस्पिटल में मैंने एक तो जो रिजिकॉन के नए वाले पिनाइल इम्प्लांट्स है उनके अंदर ट्रेनिंग ली, जो उनके इन्फ्लेटेबल और मेलेबल पिनाइल इम्प्लांट्स है उनके अंदर ट्रेनिंग ली। उन इम्प्लांट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा यूरेथ्रोप्लास्टी या पेशाब के रास्ते की सर्जरी के बारे में ट्रेनिंग ली, जो आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर है जो पेशाब के रास्ते को रोकने के लिए लगता है उसके बारे में जानकारी ली, स्टेम सेल थेरेपी जो इरेक्शन डिसफंक्शन में होता है, ओरिजिनल स्टेम सेल थेरेपी उसके बारे में जानकारी मिली, उसको देखा होते हुए रोबोटिक सर्जरी करने में कुछ समय मेरा बीता। बीच में हमें टर्किश कॉफ़ी पीने का मौका मिला। कॉफ़ी आप जैसे जानते हैं टर्किश कॉफ़ी जो सैंड में बनती है इस्तांबुल की स्पेशलिटी है, तो कुछ समय या कुछ टाइम मैंने मतलब इसको भी एक तरीके से इंजॉय किया। बहुत छोटे समय के लिए गया था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था घूमने फिरने का, पूरा दिन हॉस्पिटल में लग गया, दो हॉस्पिटल में थे, अराउंड 10 से 12 सर्जरीज देखी, नई चीज़ें सीखी, और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट डे अगले दिन मेरा दूसरे हॉस्पिटल के अंदर जाने का ट्रेनिंग सेशन करने का प्लान था। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये था कि टेक्नोलॉजिकली टर्की काफ़ी एडवांस्ड है, नई टेक्नोलॉजीज, नई इम्प्लांट्स, नई मशीनें, हॉस्पिटल्स, नई ट्रेनिंग टेक्निक्स में थोड़ा इंडिया से ज़्यादा आगे है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेथ्रोप्लास्टी के अंदर हम लोग मुँह से ग्राफ्ट लेते हैं, वहाँ पर वो लोग अभी रिकन्स्ट्रक्टिव ग्राफ्ट या आपके जो रीजनरेटिव टिश्यू ग्राफ्ट्स है उस पर काफ़ी काम चल रहा था। मैं ये नहीं कहता कि सक्सेसफुल थे, पर उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो करने का मौका मिल रहा था। अगले दिन जो है हमको फिर से मैं पहला मेरा जो दिन था वो हस्तनेसी जो आपका जो ये बके रॉय हॉस्पिटल है वही निकला। फिर हमने कुछ 3 से 4 इम्प्लांट्स, 2 से 3 यूरेथ्रोप्लास्टीज देखने का मौका मिला। उसके बाद हमको जो इवनिंग का टाइम था, इवनिंग का टाइम मेरे लिए टर्की देखने के लिए फ्री था, तो मैं और मेरे जो बाकी कुलीग्स जो इजिप्ट से और मोरक्को से आए थे हमने कुछ समय इस्तांबुल घूमने में लगाया, बैठे साथ में डिनर किया। वहाँ मुझे समझ में आया कि मोरक्को जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है, पर वहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। वो डॉक्टर को इंग्लिश नहीं आती थी, पर हमने फिर भी मेडिकल नॉलेज है अपने आपस में शेयर करी। उसने बताया कि मोरक्को का हेल्थ केयर सिस्टम अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो फ्रांस जाके अपना इलाज कराते हैं, और वहाँ पर अभी डॉक्टर्स जो है वो ट्रेनिंग करके अभी मोरक्को में चीज़ें एस्टैब्लिश कर रहे हैं।
डॉक्टर ने मुझे मोरक्को आने का इनविटेशन दिया। जहाँ तक है मैं अगले साल मोरक्को में जाके भी अपनी सर्जरीज वहाँ करना स्टार्ट करूँगा, पर मैंने उनको भी अपने पास इनवाइट किया, शायद अगले साल के अंदर वो इंडिया आए मेरे पास ट्रेनिंग करें। अगर आएंगे तो मैं ज़रूर आपसे उनकी मुलाकात करवाऊँगा। दो डॉक्टर्स थे, ब्रदर्स थे, इजिप्ट से थे, वहाँ उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, फादर बहुत फेमस है एंड्रोलॉजी के अंदर, वो ऑलरेडी बहुत सारे इम्प्लांट्स कर रहे हैं और वो बता रहे थे नए तरह के जो इम्प्लांट्स वर्ल्ड में आ रहे हैं उनके बारे में। उसके अलावा उनकी जो मेन प्रैक्टिस थी वो स्पर्म्स की और एंड्रोलॉजी की थी, तो उससे भी काफ़ी नॉलेज गेन करने को मिली। थर्ड डे पे हमारी जो हमारा जो प्लान था, मेरा थर्ड डे वॉज माई प्लान टू फ्लाई बैक टू इंडिया, बिकॉज मेरे पास इतना समय नहीं होता प्रैक्टिस छोड़ के जाने का। प्लस उस टाइम कोरोना का स्केयर जस्ट स्टार्ट हुआ था, मुझे ये नहीं पता था कि कोरोना वायरस इतना जल्दी फैल जाएगा। अगले दिन हम वहाँ पर कोचेली यूनिवर्सिटी है जो एक पहाड़ वाले एरिया के अंदर है, बहुत ही सुंदर रास्ता है, पहाड़ों के अंदर से निकल के जाता है, रास्ते में शिप्स देखने को मिली, समुंदर देखने को मिला, जो आपका ब्लैक सी है वो देखने को मिला। और उसके बाद जब हम कोचेली यूनिवर्सिटी पहुँचे तो कोचेली यूनिवर्सिटी एक सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कुछ प्राइवेट है कुछ गवर्नमेंट है। एक चीज़ जो मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ इस्तानबुल में, वो था पब्लिक स्मोकिंग। जैसे इंडिया में आप रेयरली देखेंगे कि पब्लिक प्लेसेस में लोग स्मोकिंग करते हैं, टर्की में पब्लिक स्मोकिंग अलाउड है, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों ही बहुत स्मोकिंग करते हैं, और बाथरूम में और रेस्ट रूम्स में, रेस्टोरेंट्स के अंदर, हर कॉमन एरिया, इवन हॉस्पिटल के अंदर फॉर दैट मैटर स्मोकिंग एरियाज थे जहाँ पर लोग अपनी स्मोकिंग कर रहे थे। वो देख के मुझे काफ़ी शॉक लगा, बिकॉज हॉस्पिटल्स के अंदर स्मोकिंग नॉर्मली अलाउड नहीं होती, पर वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर भी स्मोकिंग जारी थी। वहाँ पर हम एक डॉक्टर से मिले जो ट्रांसजेंडर सर्जरीज में स्पेशलाइज करते हैं, मतलब जो मर्दों को औरत बनाना या औरतों को मर्दों बनाना में स्पेशलाइज करते हैं, और उनके अंदर जो ये ट्रांसजेंडर सर्जरीज में जो आर्टिफिशियल पेनिस लगते हैं और आर्टिफिशियल पेनिस में जो इम्प्लांट्स लगते हैं उनके अंदर मेरी ट्रेनिंग थी फॉर 2 to 3 cases। वहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, इवन दो मैं ट्रांसजेंडर सर्जरीज और जेंडर रिसाइनमेंट सर्जरीज में इंटरेस्टेड हूँ, ज़्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, पर ओवर टाइम जैसे मैं, मेरा कोशिश है कि अपने सेंटर को एंड्रोलॉजी के अंदर एक प्रीमियम सेंटर बनाना एशिया में, तो कुछ समय में हम ट्रांसजेंडर जेंडर रिसाइनमेंट सर्जरीज भी अपने सेंटर पे स्टार्ट करेंगे। उसके उस दिन उधर तीन जो केसेस देखने के बाद फिर हम वापस होटल गए, वो अगेन इवनिंग फ्री थी, इवनिंग में फिर हम दोस्त थोड़ा घूमे टर्की में, थोड़ा फिर हमने इंफॉर्मेशन ली, एक प्लान बनाया कि किस तरह हम इजिप्ट, इंडिया और बीच के मरीज के डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाए ताकि हम लोग अपनी नॉलेज को और एक्सपैंड कर सके। और अगले दिन मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट वापस थी। मेरे को बुलाने वाले मेरे होस्ट, मेरे डॉक्टर बहुत कर्टियस थे, सीखने को बहुत कुछ मिला। इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगले 6 महीने या 9 महीने में प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बारे में, उसमें होने वाली सर्जरीज जो मैंने की है, जो मैंने देखी है, उनके वीडियोज़ आपको अपडेट करूँगा। तो टर्की के बारे में आपको साल अगले साल तक कुछ 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 इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। पर हाँ, जो मैंने देखा इस्तानबुल में, मुझे उसको देख के जो मेरे को मैसेज मिला वो ये था कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हर कंट्री आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, हर कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है। आप किसी भी कंट्री को जस्ट न्यूज़ के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। जब आप वहाँ जाते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने को मिलता है। और वही हुआ, इस्तानबुल गया था सोच के कि छोटी कंट्री होगी, हो सकता है कि इंडिया से पीछे हो, पर वहाँ देख के मुझे लगा कि बहुत कुछ था सीखने के लिए जो एक्चुअली मैं अपने मरीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिनसे उनको फ़ायदा मिलेगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे टर्की ट्रिप्स के बारे में और जानने के लिए मेरे वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।